तो गाइस स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल ओपिनियन एप्लीकेशन, जो कि गूगल रिवार्ड एप्लीकेशन है, उससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही आसान से मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि गूगल जी रिवार्ड्स जो है उसे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पर विजिट करते रहिएगा, आते रहिएगा, ये अपना ही चैनल है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन का लोगो, जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और रिवार्ड्स इस पर लिखा हुआ आता है। हालाँकि ये एप्लीकेशन गूगल की तरफ से ही यहाँ पर डेवलप किया गया है, तो ये बहुत ही ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। अब चलिए अगर चलते हैं आप प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद भी इस एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, जो कि लिंक इवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस पर से क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे प्ले स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। सो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। सो क्या मिलता है, सबसे पहले इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की अगर बात किया जाए तो 50 मिलियन से ज़्यादा हो चुका है मेरे दोस्त, तो ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है भैया 10 लाख, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो 50 लाख यहाँ पे हो चुका, मतलब समझ सकते हो। और यहाँ पे रिव्यूज़ की अगर बात करें तो 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अपना ओपिनियन दे चुका है कि ये एप्लीकेशन कैसा है। और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देख सकते हैं द लव द आइडिया फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, जो भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट ऐट, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमाइज्ड, और यहाँ पे समथिंग इज दट आस्क फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं रिसिपीट। यानी कि आपको अगर बात करें तो ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल का है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है अपना ओपिनियन दे रखा है। अब यहाँ पे रेटिंग्स की अगर बात किया जाए तो देख सकते हो 4.3 के रेटिंग्स है, मतलब 5 स्टार्स के आसपास ही हैं, तो समझ सकते हैं ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है। अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाते हैं बैनर पोस्टर, जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसे क्या क्या होने वाला है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें होता क्या है ना कि आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं जिसको आप जो है फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो क्या 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 कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मिलता है अर्न गूगल पे, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट। अब चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देन यहाँ पे आपसे जो है छोटा मोटा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं उसका जवाब देते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, उसके बदले में आपको कुछ पे किया जाता है। अब देख सकते हैं इन्होंने, भाई साहब ने जो है अभी लॉगिन किया तो इनके $0.36 पे किए गए हैं गूगल पे बैलेंस, यानी कि आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं न्यू सर्वे अवेलेबल, यानी कि आपको जो है हमेशा यहाँ पे न्यू सर्वे दिया जाएगा, जिसका आप जो है आंसर यहाँ पे समरी यहाँ पे कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, और शेयर विथ योर फ्रेंड, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे देखें यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग टू, मतलब वो भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर नाउ पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आपसे छोटा सा कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा, डू यू एंजॉय वॉचिंग बास्केटबॉल ऑन, देख सकते हैं टेलीविज़न, तो यस या नो पे आपको क्लिक करके यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो कि इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है गूगल ओपिनियन रिवार्ड में थैंक यू, क्या तो आपको यहाँ पे रिवार्ड मिला 0.25, और देख सकते हैं गूगल प्ले क्रेडिट एंड अर्न, सो आपको देखने को मिलता है योर क्रेडिट देख सकते हैं विल बी एक्सपायर्ड 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आपको जो है 1 साल में आपका जो रिवार्ड है वो एक्सपायर कर जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे आपको टैप कर देना होता है जब भी आप अर्न करेंगे तब। अब चलिए इस एप्लीकेशन को सिंपली हम लोग कर लेते हैं ओपन पे टैब, देन टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार से ये एप्लीकेशन जो है स्लाइड करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको बात किया तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपको 3 बिंदु यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट हम लोग को इग्नोर करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलता है आंसर इन योर, देख सकते हैं फ्री टाइम, मतलब आप जब भी फ्री टाइम में हो आपको छोटा सा कुछ सवाल वगैरह पूछा जाएगा जिसको आपको आंसर करना है, और आंसर करने के बाद आपको जो है कुछ यहाँ पे रिवार्ड्स मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट पे सिंपली टैप कर देना है, तो चलिए मैं नेक्स्ट पे टैप कर देता हूँ। देन टैप करने के बाद में देख सकते हैं विल क्रेडिट योर, देख सकते हैं गूगल पे बैलेंस, तो ठीक है भैया यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिएगा मेरे बैलेंस जो भी है क्रेडिट वगैरह। सो आपको सिंपली यहाँ पे जो है डन पे क्लिक कर देना है। सो चलिए मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका चूज करने के लिए गूगल अकाउंट बोला जाएगा कि आप किस अकाउंट से आप अपने रिवार्ड्स को लेना चाहते हैं, तो चलिए मैं कोई सा भी एक अकाउंट को अपना चूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कर दिया क्लिक, और देन यहाँ पे ओके पे आप टैप कर लीजिएगा। अब टैप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा कि आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा, और लॉगिन होने का थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिल जाएगा।
आगे की तरफ बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिए जाते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस, जो कि आपको रीड करना चाहिए केयरफुली, एक एक पैराग्राफ को आसानी से पढ़ना चाहिए आराम से, ठीक है, बट कोई नहीं पढ़ता। यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्ट क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बता ही देना चाहता हूँ कि आपको जो है वो ओवर 18 ईयर्स ओल्ड आपको होना चाहिए, तभी जो है गूगल ओपिनियन अवार्ड इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, आप अवार्ड जो है ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है सिंपली एक्सेप्ट क्लिक कर देता हूँ, देन आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेम फिल करने के लिए बोला जाता है, जो कि यहाँ पे पहले से फिल किया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको मैं कट इट कर देता हूँ, देन रवि कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको जो है अपना पिन कोड यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइड में आपको देखने को मिलता है कंट्री सिलेक्ट करने के लिए, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब कंट्री यहाँ पे जो हम लोग कहा जाता है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंडिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपना यहाँ पे कोड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं अपना कोड। अब यहाँ पे आपको कर देना है सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे टैब, देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप कर देना, देन कर दिया मैं टैप। अब टैप करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है आपको अकाउंट सेटअप, यानी कि आपको जो है गूगल पेमेंट्स का आपको अकाउंट को अपना सेटअप कर देना है। देन यहाँ पे अगर बात करें तो मिलता है आपको आपका टोटल इन्फॉर्मेशन और आईडी वगैरह सब कुछ। सो मैं चलिए कर लेता हूँ यहाँ पे ओके पे सेव पे क्लिक, देन क्लिक करने के बाद आगे की तरफ यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपसे एज पूछा जाएगा सबसे पहले, व्हाट इज योर एज। सो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 18 to 24 मेरा एज है, तो यहाँ पे आता है तो मैं क्लिक कर देता हूँ ये वाला। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ टिक। अब टिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे फिर से आपको टैप कर देना, देन मैं टैप कर देता हूँ। आपको यहाँ पे सबसे पहले फिर से जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सो चलिए मैं कर देता हूँ मेल, देन मेल पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना है। अब कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट लैंग्वेज, यहाँ पे देख सकते हैं डू यू अंडरस्टैंड, सो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों करता हूँ, तो दोनों पे टैप करके देखते हैं, अगर दोनों लेता है तो ठीक, वरना तो ओके। सो दोनों को ले लिया, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अब कंटिन्यू पे टैप कर देता हूँ। सो मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप, और टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर से अकाउंट सेटअप का यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। अब टर्न ऑन यहाँ पे देखने को मिलता है लोकेशन, जो कि आपको हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं भी तो आप जो है यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे टैप करके नोट थैंक्स पे आप कर सकते हैं, बट चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्टेड। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ टर्न ऑन यहाँ पे, ठीक है, लोकेशन को ऑन कर दिया। देन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, अब थोड़ा सा इसको वेट करना पड़ता है, तो मैं कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, कि यहाँ पे आपको जो है लोकेशन ऑन कर ही लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि टर्न ऑन लोकेशन हिस्ट्री क्वालिफिकेशन सब कुछ दिया हुआ है, यू मोर यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस बेसिस यहाँ पे पहले से यू हैव विजिट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको ऑन कर लेना चाहिए मेरे तरफ से, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका वैलेट, और माई यहाँ पे टास्क आपको मिलता है, देख सकते हैं न्यू सर्वे अवेलेबल एक्सपायर्ड इन 23, आपको क्या तो आंसर की पे यहाँ पे सर्वे पे आपको टैप करके आपको अपना क्वेश्चंस वगैरह ले लेना है, देन आपको करना चाहिए। और साथ में यहाँ आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके भी आप कर सकते हैं, सो शेयर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सो शेयर नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप जो है व्हाट्सएप पे भी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलिए ले लेते हैं कुछ आंसर क्वेश्चंस की को। सो आपको सिंपली यहाँ पे आंसर यहाँ पे सर्वे पे क्लिक कर देना है, देन क्लिक करने के बाद में सर्वेक्षण यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलता है। यह सर्वेक्षण सर्वोत्तम या सर्वेक्षण के प्रकार का एक उदाहरण है जो हम आपको भेजेंगे। जब जवाब देने पे आपको गूगल प्ले क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि इन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि आपको और अधिक सर्वेक्षण पाने की स्वीकृति मिली है या नहीं। सो ओके, यहाँ पे मैं समझती हूँ पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, देन आपको अगला पे क्लिक कर देना है। अब चलिए मैं अगला पे क्लिक कर देता हूँ, देन क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलता है 6 से यहाँ पे 12 प्रश्न आपको मिलेंगे कम से कम। आमतौर पर आप संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से सहमत हैं या असहमत है, तो आप यहाँ पे मैं सहमत हूँ या असहमत हूँ आपको क्लिक कर देना है, तो मैं जो है यहाँ पे सहमत हूँ। अगला पे आपको क्लिक कर देना है, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कई बार प्रतीक किसी विशिष्ट विचार या अवधारणा से संबंध होते हैं, नीचे दिए गए प्रतीक का आमतौर पर किससे संबंध है,
सो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, अब देखने को मिलता है शांति, यिन व यांग। सो आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में दीजिए कुछ अपना ओपिनियन। सो मुझे जहाँ तक कि लगता है, आई थिंक कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जो भी कुछ होता है इन व यंग। अगला पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद आता है इन में से कौन से देश महाद्वीप हैं। सो आपको कौन कौन से देश जो है आपको महाद्वीप लगते हैं वो आपको कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको लगता है फ्रांस, मिस्र, न्यूजीलैंड, मिस्को, चीन या जो भी, सो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, और अगला पे आपको टैप कर देना है। ओके, सो चलिए मैं जल्दी जल्दी से फिल कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ फूल। और फिर से आगे की तरफ अगर बढ़ने पे आप देखा जाए तो यहाँ पे मिलता है आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से सहमत है या असहमत है, तो मैं सहमत हूँ या असहमत हूँ, तो मैं सहमत हूँ पे टैप कर देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ देश में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, जबकि अन्य देशों में प्रधानमंत्री 5 सितारे चुनकर दर्शाएं कि आप सभी अभी ध्यान दे रहे हैं। सो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देख लीजिए मैं 5 स्टार 5 स्टार को चूज कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देन सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, धन्यवाद क्या तो सभी सर्वेक्षण को प्ले क्रेडिट नहीं मिलते, लेकिन हम आपके उत्तरों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएंगे। अब आपको ठीक है पे क्लिक कर देना है, तो आपको ठीक है पे टैप कर देना है। अब टैप करने के बाद आपको जो भी कुछ आंसर दिए हैं वो आपको देखने को मिल गया है, नो सर्वे एट दिस टाइम, यानी कि आपको देखने को मिलता है आपका सर्वे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब ही आपका सर्वे अगर आता है तो आप यहाँ पे कुछ क्लिक करके आप दे सकते हैं और साथ में यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि सभी जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको पे नहीं किए जाते हैं क्रेडिट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। अब आप चाहे तो आप यहाँ पे मोर डिवाइस पे आप क्लिक करके आप जो है लोकेशन ऑन के मोर डिवाइस को ले सकते हैं, और साथ में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, और अगर वो जुड़ते हैं आपके साथ तो उसके भी आपको कुछ मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है प्ले स्टोर पे भी आप जा सकते हैं और 3 आइकन्स मिल जाता है जिसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप क्लिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिवार्ड हिस्ट्री आपको देखने मिलता है, सेटिंग्स आपको, और हेल्प एंड फीडबैक मिलता है जिससे आप और भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट करेंगे और जो भी अर्निंग होगा उसके बारे में हम लोग और भी यहाँ पे जानेंगे। और आपको आई थिंक कि यहाँ पे लोकेशन ऑन कर लेना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है। सो यही था छोटा सा वीडियो जिस एप्लीकेशन के बारे में, जी रिवार्ड्स एप्लीकेशन के बारे में। आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप यहाँ से अर्निंग करेंगे और अच्छे खासे यहाँ पे उत्तर देंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, और आप इस चैनल पे आते रहिएगा, विजिट करते रहिएगा, ये अपना ही चैनल है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।